नमस्कार, इंडियन फूड चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है पौआ कटलेट। सबसे पहले हमने दो कटोरी पौआ लिया है, जिसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे दो तीन मिनट के लिए भिगो लेंगे। हमने पानी ऐड कर दिया है, इसे ऐसे चला लें। और पानी का आपको कम ही यूज़ करना है, इतना यूज़ करना है खाली पौआ फूल जाए। सारे पौआ अच्छे से भिगो दें और दो तीन मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख दें। ढक दिया, बस अब इसे रेस्ट करने दें और दो तीन मिनट के बाद रेसिपी फिर चालू करेंगे। दो मिनट हो गया है, अब जो हम एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देंगे या ड्रेन कर देंगे। अब ड्रेन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं यानी कि प्रोसेस क्या है। चलिए तो ड्रेन कर लेते हैं। हमने पानी जो है एक्स्ट्रा पानी में ड्रेन कर लिया है, निकाल दिया है और पौवे को अच्छे से मैश कर देंगे। आपको अच्छे से पौवे को मैश करते जाना है। अब इसमें दो उबले हुए आलू ऐड कर देंगे। दो आलू है मीडियम साइज़ के, इसको ऐड कर दिया हमने। अब हम इसमें एक कटोरी बेसन ऐड करेंगे। जैसे तो छोटी कटोरी है, आधे बड़ी कटोरी तो आधी कटोरी ऐड करें। अब हम इसमें ऑनियन और हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे। ये एक ऑनियन है मीडियम साइज़ की और दो या तीन हरी मिर्च है और ये धनिया है हरा धनिया, इसे हम ऐड करेंगे। ये चिली फ्लेक्स है, इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद ये गरम मसाला है, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ये आधा चम्मच धनिया पाउडर है। इन सभी को ऐड कर देंगे और लास्ट में हमने ये चाट मसाला ऐड किया है इसके अंदर। आप जितना नमक खाते हैं स्वाद अनुसार आप नमक यूज़ करें। तो इसके बाद इसे सभी को अच्छे से आपको इसके साथ पौवे के साथ मिला लेना है, अच्छे से मैश करते जाना आपको, जिससे ये सारे इंग्रेडिएंट आपस में मैश हो जाए। आपको एक बात ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपको एक्स्ट्रा कोई अलग से पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो आपका पौवा है उसने पहले से ही पानी को ऑब्जर्व किया हुआ है और जो आपकी ओनियन है नमक डालने से वो भी आपकी जो वाटर है या पानी है रिलीज़ करेगी। इसके लिए आपको पहले कोई पानी ऐड नहीं करना है, अच्छे से मैश करते जाना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। हमने इसमें बेसन इसलिए ऐड किया हुआ है कि ताकि जो इसकी बाइंडिंग है वो बनी रहे, क्योंकि हम इसे डीप फ्राई करने वाले हैं। अगर आप सेलो फ्राई कर रहे हैं तो बेसन का यूज़ करें या थोड़ा सा करें तो चलेगा, लेकिन आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो आपको बेसन का यूज़ करना है इसके अंदर। अब इसे हम अच्छे से मैश करते जा रहे हैं। अब आपको हम मैश करके फिर आपको हम बताते हैं। अब हम इसे शेप देना चालू करेंगे। हम इसे टिक्की का शेप देंगे, जैसे कटलेट होता है नॉर्मल वैसा शेप देंगे। इसलिए हमने हाथों पर चिपके नहीं, इसके लिए हाथों पर आप ऑयल लगा लें, जिससे हाथों पर चिपकेगा नहीं आपके। जब आपको लगे कि हाथों चिपक रहा है तो आप वापस ऑयल लगा लें, जिससे कि आपका हाथों चिपकेगा नहीं। इसे ऐसे बनाएं, हम टिक्की के रूप में बना रहे हैं, एक एक करके सारे ऐसे बना लेंगे। ऐसे बना लें, हाथों में ऑयल लगने की वजह से क्या होता है ये चिपकता नहीं हाथों में। जैसे हम टिक्की का शेप दे रहे हैं, इसी तरह से आप बाकी भी बना लेंगे, फिर आपको पूरा बना के हम दिखाते हैं। हमने बना लिया, इतना सारा रेडी हो गया है। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो फिंगर शेप देंगे उसे, जिसे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में, इस प्रकार का फिंगर शेप आप दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस टाइप का। इसी प्रकार बनाते जाए और अब हम सीधे फ्राई पर मिलते हैं। इसे कैसे फ्राई करना है, हमने नॉनस्टिक फैन लिया हुआ है जिसमें हमने पहले से ये ऑयल गर्म करने के रख दिया था। ये आपका फ्राइंग ऑयल कोई भी हो सकता है,
अब हम इसे एक एक करके फ्राई करेंगे। हमारा तेल गर्म है, आपको मीडियम फ्लेम रखना है, ना लो रखना है ना हाई रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपको इसके फ्राई करना है। एक एक करके हम सारे को ऐड कर देंगे। इसे फ्राई होने दे आराम से। जब एक साइड का फ्राई हो जाएगा अच्छे से, फिर हम इसे टर्न करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, इसे हम एक बार पलटने की कोशिश करेंगे, पलट देंगे एक एक करके। देखिए बेसन डालने से क्या हो, इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी है कि आपके टूटेगा नहीं। एक एक करके हम इसे सभी को पलट लेंगे। ये हमारे पौवा कटलेट हो चुके हैं, इसे हम प्लेट पे निकाल लेंगे। टिश्यू पेपर पे निकाले जिससे आपका जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगा। और टिश्यू पेपर ना हो तो आप किचन टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही करके हम सारे कटलेट निकाल लेंगे। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। चले बच्चों के लिए जो बहुत पसंद करते हैं बच्चे। अब ये कितना क्रिस्पी बना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे इसमें से क्रिस्पी बन की आवाज़ आ रही है, तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए पूरी तरफ पक चुका है अंदर तक। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आगे हम आपके साथ ऐसी नई नई रेसिपी लेकर आते रहेंगे जो इंडियन स्टाइल होंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।